अगर हजूर का मिलाद ना होता, हजूर तशरीफ आवरी ना फरमाते, अल्लाह के कुर्ब खास में ही रहते, तो यहाँ ये जो बरे स्किल पाको हिंद का खिता है, यहाँ ही दूर रहते थे। हजूर का मिलाद ना होता तो यहाँ हिंदू रहते। यहाँ हम जो आज मुसलमान बने फिरते हैं ना, मुसलमान ना होते, कोई गांव को मां बना के बैठा होता, कोई गाय का पेशाब पीता होता। अगर आज हम मुसलमान हैं और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और हम हिंदू नहीं हैं, तो इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये मोहम्मद नबी के मिलाद का सदका है। लोग कहते हैं मिलाद नहीं मनाना, मैं कहता हूँ जूर ना आते ना तो चोर साहब बना बना सा तू हिंदू दे कोई शक होता। आपको पता है यहाँ करीब में मंदरा वाला गांव है, मंदरा वाला मंदर समझ आ गई, ये समरियाल के गांव है, किशनगढ़ है ना किशन। मैं तकरीर करने के लिए गया, मैंने कहा सारा पिंड मुसलमानों का पिंड किशनगढ़, मैंने कहा इसका नाम रखो इस्लामगढ़। आपको पता श्यामकोट किसके नाम पर है, वो जो है ना जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ए अहबाब हम मिलाद वैसे नहीं मनाते, इसके पीछे की रीजन भी है कि ये हमारा इलाका हिंदुओं का इलाका था, हिंदुओं का मरकज है आज भी ये हिंदुस्तान, लेकिन इधर मुसलमान कैसे हम बन गए। तो सुन लो, अगर हम मुसलमान हुए हैं तो मोहम्मद नबी के मिलाद की वजह से हुए। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, तारे हस्ती में गलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तो ही भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। रसूल की मोहब्बत के बगैर गुजारा ही नहीं है।